हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे जोड़, घटाना, गुणा और भाग के सवालों को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे ऐसे हैं जिनको जोड़, घटाना, गुणा, भाग नहीं आते हैं और वो इनको YouTube पर सर्च करते रहते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाऊंगा, तो आपको दूसरी वीडियो सर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जोड़ करेंगे, फिर घटाना करेंगे, फिर गुणा और फिर भाग। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जोड़ करते हैं। तो जोड़ के सवालों में हमें करना क्या होता है कि ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या को हमें जोड़ना होता है। ठीक है, तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को और फिर इन दोनों को। ठीक है, और मैं आपको बहुत ही अलग तरीका बता रहा हूं जोड़ने का। तो देखिए यहां पर एक है तो आपको एक लाइन खींच देना है। ठीक है, एक है तो एक लाइन खींचिए, फिर पांच है तो पांच लाइन और खींचिए, एक, दो, तीन, चार, पांच। ठीक है, अब सभी लाइनों को एक साथ हमें गिन लेना है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। कितना हो गया, छह। तो यहां पर हम लिख देंगे छह। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में हमें इन दोनों को जोड़ना है। तो यहां पर कितना है, दो है तो दो लाइन खींचिए, एक, दो, फिर से दो है तो दो लाइन और खींच दीजिए, एक, दो। अब सभी को एक साथ गिनिए, एक, दो, तीन, चार। कितना हो गया, चार। तो यहां पर हम लिख देंगे चार। ठीक, चलिए अब यहां पर देखिए कितना है, पांच, तो पांच लाइन खींचिए, एक, दो, तीन, चार, पांच। ठीक है, इसमें एक जोड़ना है तो एक लाइन और खींचिए। चलिए अब गिनते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। कितना हो गया, छह। तो यहां पर हम लिख देंगे छह। ठीक है, अब यहां पर देखिए कितना है, तीन है तो तीन लाइन खींचेंगे, एक, दो, तीन, फिर चार है तो चार लाइन और खींचेंगे, एक, दो, तीन, चार। अब सभी लाइनों को एक साथ गिन लेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। ठीक है, तो यहां पर आ गया हमारा सात। क्लियर, चलिए तो ये हमारा जोड़ का सवाल पूरा हल हो चुका है। इस प्रकार से आपको जोड़ करना है। चलिए अब हम घटाना सीखते हैं। तो यहां पर हमें कैसे घटाना है, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटा देना है। तो कैसे घटाएंगे, सबसे पहले इनको घटाएंगे, फिर इनको घटाएंगे, फिर इनको और फिर इनको। ठीक है, तो यहां पर चार है तो चार लाइन खींचिए, एक, दो, तीन, चार। अब इसमें से हमें कितने घटाना है, तीन, तो तीन लाइनों को काट दीजिए, एक, दो, तीन। तीन लाइनों को काट दिया, अब कितना बचा, एक, तो यहां पर हम लिख देंगे एक। ठीक है, चलिए अब यहां पर आठ में से हमें दो घटाना है तो आठ लाइन खींचेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ। इसमें से दो घटाना है, दो लाइनों को काट दीजिए, एक, दो। अब कितने बचे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, छह बचे, तो यहां पर लिख दीजिए छह। ठीक है, चलिए अब यहां पर आ जाइए, तीन में से हमें एक को घटाना है तो तीन लाइन खींचेंगे, एक, दो, तीन। अब इसमें से दो, सॉरी, एक घटाना है तो एक लाइन काट देंगे, अब कितना बचा, एक, दो, तो यहां पर हम लिख देंगे दो। ठीक है, चलिए अब हमें पांच में से तीन को घटाना है तो पांच लाइन खींचेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच। अब इसमें से हमें तीन घटाना है तो तीन लाइनों को काट देंगे, एक, दो, तीन। कितने बचे, एक, दो, तो यहां पर हम लिख देंगे दो। तो देखिए ये हमारा घटाना का सवाल भी हल हो गया है। तो इस प्रकार से हम घटाना के सवालों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारे सामने आ गए हैं गुणा और भाग। ठीक है, तो सबसे पहले हम गुणा करना सीखते हैं। तो गुणा करने का तरीका क्या है, सबसे पहले ये वाला जो दो है इसका गुणा इन सभी के साथ करेंगे, जब इसका हो जाएगा तो फिर हम इस तीन का गुणा भी इन सभी के साथ कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं, दो का गुणा तीन में, मतलब दो का पहाड़ा तीन बार पढ़ना है तो चलिए पढ़ते हैं, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तीया छह। दो का पहाड़ा तीन बार पढ़ने पर कितना आया, छह आया। ठीक है, अब दो का पहाड़ा पांच बार पढ़ेंगे, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तीया छह, दो चौके आठ, दो पंजे दस। तो दस को हम लिखते हैं ऐसे, तो दस की जीरो आ जाएगी यहां पर और एक आ जाएगा हमारा हासिल। ठीक है, अब दो का पहाड़ा पढ़ना है चार बार, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तीया छह, दो चौके आठ, आठ ये और एक हासिल वाला कितना हो जाएगा, नौ हो जाएगा। ठीक है,
ये 9 हो गया। इसके बाद में हमें 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है, 2 एकम 2, 2 दुनी 4, 2 तीय 6, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6, ठीक है। अब देखिए हमारा 2 का गुणा हो चुका है तो हम यहाँ पर एक क्रॉस लगा देंगे, एक संख्या का हो चुका है तो एक क्रॉस लगा देंगे। अब हमें 3 का गुणा इन सभी के साथ में करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं, 3 एकम 3, 3 दुनी 6, 3 तिरका 9, तो 9 आ गया, यहाँ पर हम लिखेंगे 9, ठीक है। अब 3 का 5 में 3 एकम 3, 3 दुनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 3 पाँच 15, तो 15 हम लिखते हैं ऐसे, तो 15 का आ जाएगा 5 यहाँ पर और जो 1 है ये आ जाएगा हासिल यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं, 3 एकम 3, 3 दुनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12 और एक हासिल वाला 13, तो 13 हम ऐसे लिखते हैं तो 13 की 3 आ जाएगी, 1 आ जाएगा हासिल, ठीक है। चलिए अब 3 का पहाड़ा 3 बार, 3 एकम 3, 3 दुनी 6, 3 तिरका 9 और एक हासिल वाला कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनको जोड़ लेना है, ये है 6 तो यहाँ पर आ जाएगा 6, ठीक है। यहाँ पर कितना है 9, तो ये आ गया हमारा 9, 5 और 9 कितने हो जाएंगे, 9 और 5 हो जाएंगे 14, तो 14 की आ जाएगी 4, 1 आ जाएगा हासिल, ठीक है। तो 3 और 1 हो जाएगा 4, 4 और 6 10, तो 10 की 0, 1 आ जाएगा हासिल, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है, और ये वाला 1, तो ये जो है हमारा क्या आ गया है, आंसर निकल कर आ गया है, ठीक है। चलिए अब हम भाग सीखते हैं, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम 6 से भाग लगाएंगे इस 4 में, क्या 6 से 4 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि 4 छोटा है, तो हम इस 45 में भाग लगाएंगे। तो 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 45 आ जाए, तो चलिए पढ़ते हैं, 6 एकम 6, 6 दुनी 12, 6 तीय 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 छिंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, तो 48 तो इससे ज्यादा हो जाएगा, तो हम कितना पढ़ेंगे, 6 सत्ते 42, 7 बार, ठीक है। तो 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने पर कितना आता है, 42, तो ये हमने लिख दिया 42। अब घटाइए, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, 4 में से 4 जाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। अब इसके बाद में ये वाला 3 है, इसको उतार लेंगे हम यहां पर, ठीक है। अब 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 33 आ जाए, या 33 से कम आए, 33 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो चलिए पढ़ते हैं, 6 एकम 6, 6 दुनी 12, 6 तीय 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 छिंग 36, 36 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 6 पंजे 30, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे 5, 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर कितना आता है, 30 आता है, तो अब यहां से हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 3 में से 0 जाएगा तो 3 ही बचेगा, 3 में से 3 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। अब इसके बाद में 2 को उतार लेते हैं, अब यहां पर कितना हो गया, 32, तो 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 32 आ जाए, तो 5 बार में ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर 6 पंजे 30, ठीक है, तो ये आ गया 30। अब घटाइए तो यहाँ पर बचेगा 2 और 3 में से 3 जाएंगे कुछ भी नहीं, तो ये जो 2 है ये हमारा शेषफल बच गया और ये जो है ये हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हम जोड़, घटाना, गुणा और भाग के सवालों को सॉल्व करते हैं। आशा है दोस्तों आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।